हेलो, आज हम बना रहे हैं रसीला ढोकला। उसके लिए चना दाल, दही, अदरक, हरी मिर्ची, ऑयल, चीनी, तिल, मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज, लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, और एक इनो बहुत। चना दाल को हमने पीस के उसके अंदर अंदर मिर्ची, हरी मिर्च और अदरक डाल के उसको पीस लिया। उसको 4-5 घंटे के लिए पहले भिगो दिए और फिर उसके बाद उसको पीस लिए। उसको रात भर हमने ऐसे रखा था, उसका थोड़ा सा खमीर उठ गया अभी। अभी इसके अंदर हम नमक, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 स्पून हल्दी डाल देंगे, 1/4 स्पून लाल मिर्ची डाल देंगे, 1 स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून इनो डाल लेंगे इसके अंदर। आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, वो 1/2 स्पून डाल देना, छोटे वाला 1/2 स्पून। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अभी थाली के अंदर थोड़ा ऑयल लगा के इसको थोड़ा मिक्स करके अच्छे से तेल लगा देंगे इसको। अभी जो ढोकला का बैटर है इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे इसके अंदर, थोड़ा अच्छा नहीं। कढ़ाई के अंदर पानी हमने पहले से रख दिया, पानी उबल रहा है। पानी जब ही उबलता है तभी इसको, जब स्टीम करते हैं तभी रखते हैं। इसके अंदर भी हमें ढोकला हम रख देंगे। हमने इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया जो इसके अंदर जो ढोकला रख देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। इसको ऊपर से ढक देंगे। हमारे ढोकले को स्टीम हो गए, 15-20 मिनट हो गए इसको बनते बनते। अब इसको देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे, बन गया जो बिल्कुल सूखा आ रहा है नाइफ। अभी इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, हम एक उसके लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए दही चाहिए हमको, 4 स्पून दही चाहिए, 4 से 5। चार स्पून चीनी, 1/2 स्पून हल्दी, 1 कश्मीरी मिर्चा, 1 स्पून लाल कश्मीरी मिर्ची और 1/4 स्पून जो तीखी वाली मिर्ची है, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3-4 स्पून पानी के डाल देंगे। हमारा जो ढोकला है ठंडा हो चुका है, इसको हमने ऐसे निकाल लिया इसके अंदर से ऐसे। अब इसको हमने इसके पीसेस काटेंगे, इसके ज्यादा बड़े पीस नहीं काटेंगे, छोटे काटेंगे इसके पीस।
इतने छोटे छोटे वैसे प्लेट्स काट लेंगे इसके, ऐसे सारे पीसेस काट लेंगे। अभी कढ़ाई के अंदर 2 स्पून हम ऑयल डाल देंगे। इसको गर्म होने देंगे। एक स्पून मस्टर्ड सीड्स सरसों के बीज डाल देंगे और एक स्पून तेल डाल देंगे। ये काटी हुई लंबी लंबी हरी मिर्ची है, इसमें डाल देंगे। जो हमने जो दही का मिश्रण बना के रखा है इसके अंदर डाल देंगे। अभी हमने ढोकला काट रखा है, इतना छोटे छोटे पीस इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सारा धनिया डाल देंगे ऊपर। अभी हमारा जो ढोकला है वो रसीला ढोकला रेडी हो गया है इसका। अभी इसको गैस को बंद कर देंगे। हमारा जो ढोकला रसीला ढोकला रेडी हो गया है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा रख देना है, थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट इसके अंदर डाल देंगे। खाने बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, इसके इसके साथ चटनी वगैरह खाने की जरूरत नहीं, ऐसे अच्छा लगता है। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है।